शुभकामनाएं। और रक्षाबंधन है और यहाँ गए हैं भाई लेने ही आ गए हैं। ज़्यादा इस टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है और हम निकल चुकी हूँ। अब मैं निकल चुकी हूँ मायके जाने के लिए। कंटिन्यू बनी रहना क्योंकि अब भीड़ भी बहुत ज़्यादा ही है। नमस्कार प्रणाम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं मस्त हैं, स्वस्थ हैं, अपने कामों में व्यस्त हैं और आप लोगों का रक्षाबंधन का हार्दिक शुभकामनाएं। और रक्षाबंधन के दिन हम लोग तैयार होकर निकल चुके हैं मायके जाने के लिए। और यहाँ मेरे पतिदेव बैठे हुए हैं यहाँ पर, हाय करो। और मिठाई उठाई हम लोग ले चुके हैं और यहाँ रेडी शेडी होकर हम लोग निकल चुके हैं। चलती हूँ मायके जा रही हूँ। थोड़ा हर लड़की को खुशी होती है मायके जाने की, तैयार शैयार होकर निकल चुकी हूँ क्योंकि आज लगा है भद्रा लग जाता है। हर साल कुछ सालों से लग रहा है कि उसमें राखी नहीं बांधते और 1:30 बजे के बाद से राखी शुरू है। अब 1:30 बजे के बाद ही राखी बांधी जाएगी। फिर वहाँ से मुझे जल्दी राखी बांध के आना भी है क्योंकि मेरी नंद भी है, वो भी आएंगी घर में। इसलिए मैं निकल चुकी थी घर से जल्दी क्योंकि मैं सोची मैं पहले अपना दूर का काम निपटा जाती हूँ, दूर की राखी बांध के आ जाती हूँ, फिर पास में आएंगे इनकी बुआ बांधने के लिए राखी। तो आप लोग बने रहिए मेरे ब्लॉग में और इसी तरह प्यार दुलार अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। मैं आपको दिखाऊंगी, कंटिन्यू बने रहिएगा वहाँ के वीडियो। ये मेरे सबसे बड़े भैया हैं, इनको मैंने तिलक किया। तिलक करने के बाद इनकी आरती उतारने के बाद ये मेरे सबसे बड़े भाई हैं, इनको मैंने आरती उरती करके फिर मैंने इनको राखी बांधा क्योंकि मेरे दो ही भाई हैं। एक मेरा भाई नीचे बैठा हुआ था, वेट कर रहा था, सबसे छोटा भाई है मेरा, मतलब मैं सबसे छोटी तो मैं ही हूँ, दोनों भाई बड़े हैं मेरे। इनको राखी बांधने के बाद तो छोटे वाले भाई को फिर राखी बांधती हूँ क्योंकि छोटा वाला भाई हमेशा बड़े भाई को राखी बांधने के बाद ही कहता है मुझे राखी बांधा कर। तो मैं मिठाई दूर रख दिया था, मैं भूल गई थी, फिर मैंने इनका आशीर्वाद लिया। तो मैंने कहा अब ये मेरा बीच वाला भाई है, अभी इनको राखी बांधा मैंने तिलक वगैरह कर। मुझे बहुत प्यार करते हैं मेरे भाई, दोनों भाई मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो राखी बांधने के बाद आरती वगैरह उतार के फिर मैंने इनको मिठाई उठाई खिलाया। फिर मेरे भतीजा वगैरह भी थे, और भी भतीजा वगैरह भी थे मेरे, वेट कर रहे थे कि बुआ कब राखी बांध लेंगी, तब हमें बांधेंगी। तो मैं अपने भाई को चिढ़ा रही थी कि एक साथ 3 रसगुल्ले खाओगे, तो मैंने कहा नहीं। फिर मेरे पापा हैं, ये मेरे पिताजी हैं मेरे पापा, जो मेरे से बहुत प्यार करते हैं। मेरी बुआ हैं तो मगर वो आ नहीं पाती हैं राखी के टाइम पर, तो मेरे पापा के हाथ कलाई खाली लगती है तो मैं ही उनको राखी बांध देती हूँ। तो आप लोग बताना अच्छा करती हूँ कि बेकार करती हूँ मैं राखी बांध के तो पापा को, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता ना। और ये दोनों मेरे भतीजे हैं और इन दोनों को भी राखी मैंने बांधा, ये वेट कर रहे थे। और दो भतीजे और थे वो भी वेट कर रहे थे, बाकी उनकी वीडियो नहीं आ पाई थी क्योंकि मेरे मोबाइल की बैटरी ना फुल हो चुकी थी उस टाइम, मैं उनकी वीडियो नहीं बना पाई थी। तो इकट्ठा मैं इनको 3 राखियाँ बांधती हूँ क्योंकि मैं अपनी तीनों बेटियों के नाम से इनको राखी बांधती हूँ। एक एक करके इसके हाथ में मैंने 3 राखी बांधी और छोटा वाला बैठ के वेट कर रहा था कि हाँ बुआ भी मेरे को भी राखी बांधेंगी। और मेरी भतीजी है तो वो गांव में रहती हैं, तो फिर मैं उसकी राखी भी पूछा मैंने कि उसकी राखी नहीं आई है, तो उन्होंने कहा हाँ राखी आई है बांध देना, तो उन्होंने उनकी भी राखी दी, तो फिर मैंने उनकी राखी बांधी है। और अच्छा लगता है कि हाँ सब वेट करते थे, प्यार से इंतजार करते हैं कि बुआ आएंगी, बुआ राखी बांधेंगी,
बच्चे बहुत प्यार से इंतजार करते हैं। और छोटा वाला तो इतना बेचैन हो रखा था ना कि देखने के लिए हाँ बुआ मुझे कब राखी बांधेंगी, और बैठे बैठे राखी भी गिनती करता है वो। एक साथ मैंने इसको मजाक में कहा 3-3 दिन रसगुल्ले खा के देख, और उसको भैया इतनी हंसी आई थी कि बुआ ने 3 रसगुल्ले डाल दिया, तो हाथ में चाशनी वगैरह लग गया था तो मैंने साफ करने के लिए। अभी आई है बारी छोटे वाले की, तो छोटा वाला ये छोटी भाभी है। बड़ी वाली भाभी की वीडियो बनाई थी, उसकी वीडियो बन नहीं पाई थी, उसमें आ नहीं पाई थी, इसलिए नहीं हो पाया। फिर मुझे घर भी जाना था, जल्दी से पहुँचना था। ये मेरी सबसे बड़ी नंद है, और ये अपने भाई को राखी बांध रही हैं, और ये थाली रखने गई थी तो इतना हंसी आई मुझे कि मैंने ये थाली अपने हाथ में ले ली, और मजाक में मैं इनसे कहने लगी कि चलो थोड़ा सा मजाक भी बनता। मैंने कहा चलो मैं आरती करती हूँ, आप राखी बांधना और जितना भी आपका हिस्सा रहेगा इसमें मेरा भी हिस्सा रहेगा। तो मैं मजाक कर रही थी इनसे, अपनी नंद से, क्योंकि मेरी बड़ी नंद है ये, हम मजाक चलता रहता है हम नंद भाभियों में। और ये अपने भैया को राखी बांधने के बाद, क्योंकि मैं भी चली गई थी मायके, मायके से आई राखी बांधने के लिए, बहुत टाइम हो गया था, शाम के 4 बज गया था। बहुत अच्छा लगता है कि हाँ उनकी बुआ आती हैं राखी बांधने के लिए। इंतजार कर रही थी सुबह से, बिना खाए पिए ऐसे राखी बांधा जाता है। फिर उन्होंने आरती उतारी, मैं उनको कब मिल उनको भी चिढ़ा भी रही थी, काफ़ी हंसी मजाक हो रहा था हमारे बीच में। फिर मिठाई निकालती हैं, उसमें से मिठाई खिलाती हैं, तो मिठाई निकाल रही थी, मिठाई का पन्नी उनसे खुल नहीं रहा था खुल। एक रिश्ता ही ऐसा होता भाई बहन का जो बहुत प्यारा होता है। तो उसमें से रस टपक रहा था, मैंने कहा दीदी इस पे रख दो। मैं बीच बीच में मैं अपने पति को चिढ़ा भी रही थी इसी में ही। फिर वहाँ से उनको बांधने के बाद फिर मेरी बारी आई, तो मेरे पति भागने लगे दूर के लिए, तो बांध ले राखी। मैंने कहा नहीं नहीं पास में आओ, साथ में बैठ के बांधते हैं राखी। ये मेरी सबसे बड़ी नंद है, और ये राखी लेके आई है मेरे लिए, भाभी की राखी जो होती है, और मेरे हाथ में बांध रही हैं। और इतना अच्छा लगता है ये त्यौहार जब आता है, साल में एक बार आता है भाई बहन का, बहुत अच्छा लगता है त्यौहार। अपने भैया को राखी बांधने के बाद ये फिर भाभी की राखी होती है, जो हमारे यहाँ सबने राखी बांध ली है, सबने अपनी अपनी कमाई।